इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट होती है या फिक्टिशियस एसेट होती है। सिंपल सी बात, पहले हम दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस जान लेते हैं। इंटेंजिबल एसेट कौन सी होती है, जिसको हम ना तुम देख सकते ना हम टच कर सकते, सिर्फ उसको हम फील कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है, जबकि फिक्टिशियस जो एसेट्स होती हैं उससे कोई भी कैश रिलीज नहीं हो सकता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जिसको हमने अभी तक रिटर्न डाउन नहीं किया है, रिटर्न ऑफ नहीं किया है, पर गुडविल रियलिटी में इनटेंजिबल एसेट होती है, क्योंकि गुडविल को हम कभी भी परचेज कर सकते हैं और कभी भी हम इसको सेल भी कर सकते हैं दूसरी एसेट्स के साथ। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, गुडविल इनटेंजिबल एसेट होती है और इसके बदले में आप कैश वसूल कर सकते हो। इसको हम किसी दूसरी प्रॉपर्टी के साथ खरीद भी सकते हैं और किसी दूसरी प्रॉपर्टी के साथ हम इसको सेल भी कर सकते हैं। तो गुडविल की अपने आप में कोई ना कोई वैल्यू होती है, इसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। जबकि फिक्स्टीशियस एसेट्स कभी भी आप वैल्यूड नहीं कर सकते, क्योंकि इसको सेल नहीं किया जा सकता, इसके बदले में कोई कैश वसूल नहीं हो सकता, जबकि गुडविल की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। तो जितनी भी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं आप उसको मनी में मेजर कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, उसको आप सेल कर सकते हो, उसको आप फील कर सकते हो, पर इनटेंजिबल एसेट ना तो टच की जा सकती है ना ये देखी जा सकती है। तो डेफिनेटली गुडविल हमारी क्या होती है, एक इनटेंजिबल एसेट होती है, क्योंकि इसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, हम इसको मनी में मेजर कर सकते हैं।